ये ऐसी कोई मामला नहीं था, हम लोग नहा रहे थे तो क्या बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पर आए, एजाज महेंद्र वो इश्तियाक और बसीर और क्या बोलते हैं उन लोग के चारे बच्चे, मतलब पूरे खानदान उन लोग, तो हम लोग ये सब ढाहने लगे तो हम लोग बोले, जब हम लोग हम बाहर अंदर से बाहर निकले तो बाहर निकले तो कह रहे हैं भैया ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन लोग बोल रहे हैं ढाहो ढाहो कोई नहीं है ढाहो, और हमारे घर के गार्जियन सब चले गए थे काम पर, तो कह हम बोले क्यों ढा रहे हैं जब ये मामला कोर्ट तक चला गया है तो कोर्ट से फैसला होगा, तो जिसके नाम से मतलब ये हुआ है क्या बोल दर्ज हुआ है स्टे हुआ है तो अब कोर्टे का ना है फैसला, तो कोर्ट फैसला करेगा, आप क्यों ये कर रहे हैं जबरदस्ती ढा रहे हैं, तो ढाओ ढाओ। उसी बात पर हमको एजाज और क्या बोलते हैं इश्तियाक वो आकर के दोनों हाथ से मारने लगे। कल एक शमसुन बेगम का निर्माणाधीन मकान था जो विवादित जमीन पर बन रहा था, उस पर दूसरे पक्ष द्वारा एक हफ्ता पहले स्टे दिया गया था और उसको गिराए जाने के बाद प्रकाश में आई थी, तो उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।